साहब बिल्कुल जोर से बोलेंगे। आज जो जीत हुई है क्या मानते हैं, जिस तरह से भाजपा कार्यकारी छह अभियान से आ रही है, लेकिन ये जनता ने जो है गठबंधन को वोट दिया। ये जीत मैं सबसे पहले मीरापुर विधानसभा के प्रत्येक वोटर की, मतदाता की मानता हूँ। और पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से हर वर्ग ने, चाहे किसान हो, जवान हो, किसान और सब, अपनी माताएं बहनें सब ने मिलके मतदान करने का काम किया गठबंधन के लिए, ये ऐतिहासिक जीत जो मीरापुर विधानसभा के मतदाताओं ने दी है, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप सब के माध्यम से आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस आकांक्षा और उम्मीदों के साथ उन्होंने मतदान करने का काम किया, उन पर पूरा खरा उतरने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके लिए? प्राथमिकता अपने क्षेत्र का विकास, अपने नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था, किसानों की खुशहाली की व्यवस्था, और अपने क्षेत्र में जो मोरना शुगर मिल हमारा, जिसको वादा करके हम चुनाव में गए थे, उसके विस्तारीकरण को लेके जो भी संघर्ष होगा अपने इलाके के क्षेत्र का, निश्चित रूप से मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बड़ी चुनौती होगी क्योंकि विपक्ष में रहकर आपको 5 साल काम करना है। अभी शायद ये समय पूरा नहीं है और अभी समय बहुत बाकी है। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के रुझान पूर्व में आए थे एग्जिट पोल के, उसके विपरीत पूरे जो है रिजल्ट आए हैं। मेरे ख्याल से जनपद में हम 4 सीटों पर आगे हैं और अभी मतगणना चल रही है। मेरठ में हम बहुत सीटों पर आगे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अभी समय काफ़ी बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि महागठबंधन सरकार बनाने में सफल होगा। आपकी विधानसभा में एक तीर्थ स्थल भी आता है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, शुक्रताल की बहुत बड़ी भावना उस क्षेत्र में है और पूरे इलाके नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। मैं पूरा प्रयास करूंगा शुक्रताल को इस तरीके से डेवलप करने का कि आने वाले समय में पूरे इलाके को उसका लाभ हो और हमारी शुक्र तीर्थ जो तीर्थ स्थल है उसकी जो है ख्याति दूर दूर तक फैलाई जा सके।